Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Harsha Dhanan, and you are watching my YouTube channel. So happy Tej to all of you. तो आज जो पूजा का मुहूर्त है वो कुछ इस तरह से कि सुबह के 6 बजे से लेके और आज 3:30 बजे तक है, तो हम उसके बीच में पूजा करेंगे. फिलहाल तो हमने पूजा का सारा जो सेटअप है वो सब कर लिया है और अभी तो मैं तैयार होने जा रही हूँ. तो अभी हम दोनों हो चुके हैं पूजा के लिए तैयार और अभी हम लोग पूजा शुरू करने वाले हैं. तो कैसे पूजा करेंगे हम लोग वो सब कुछ आपको पता चलेगा. अभी पूजा का जो है जो भी लगता है हमें सामान हमने वो सब लोग सब कुछ रख लिया है और पूजा के लिए अभी मम्मी आने वाली है. मम्मी आ ही रही हैं बाहर है, तो उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे. हम लोग कैसे पूजा करते हैं वो भी दिखेगा आपको. जो वाड़ू हमने पानी से निकाली थी अब हम लोग उसको यहाँ शिवलिंग बनाएंगे. उसका हम लोग ने बना लिया है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये शिवलिंग है. और अभी मम्मी और कुछ भी कर रही है. नंदी, यहाँ पर नंदी भगवान जी की जो प्रतिमा है उसको बना रहे हैं मम्मी. गणपति, इधर गणपति. पांच ऋषि मुनि, नमस्कार.
अभी हमने सिर्फ बेल फूल ये सब चढ़ाए हुए हैं और जो श्रृंगार का सामान मानता को दिया जाता है वो भी लगाया हुआ है, वो भी चढ़ाया हुआ है मैंने। और ये जो पत्तियां हैं ये सारे फल की, अनेक अनेक प्रकार के फल हैं या फिर फूल हैं, उनकी पत्तियां हैं 16-16 इकट्ठी की हुई है। आपने भी पूजा की थी ना, कैसा लगा आपको पूजा करके? तो मैं अब बताती हूँ आपको कि हमने पूजा में क्या क्या रखा हुआ है। तो पहले कलश रखा हुआ है और उसके बाद 5 प्रकार के अनाज हैं और उसके बाद फल केले और सेब। उसके बाद पूजा का है, उसके अंदर हमने श्रृंगार पत्तियाँ बेलपत्ती फूल माला और वहाँ पीछे एक दिया है समय बड़ा वाला जो रात भर चलेगा। तो अभी हमारी सिर्फ पोती पढ़नी रह गई है, जो हरितालिका की कहानी होती है वो पढ़ना रह गया है, बाकी जो आरती और हम फूल और बेलपत्ती वगैरह जो भी हम चढ़ाते हैं वो सब हमारा हो चुका है। तो हरितालिका की जो कहानी है वो हम शाम को पढ़ेंगे। इतना क्यों हंस रहा है? He wants to say कि मेरे मामा आने वाले हैं। He wants to say कि इसके मामा आने वाले हैं। He is very happy। और ये अभी कोड वर्ड में बात कर रहा है और मुझे कह रहा है कि कॉल मामा, मामा जी से पूछो कि मामा तुम कहाँ हो। अभी 8:30 बज चुके हैं और मुझे अभी हरितालिका की कहानी जो है वो पढ़नी है। और अभी मेरे भाई का कॉल आया, उसने कहा कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और निकल सभी लेने गए हैं और अभी मैं बस कहानी पढ़ने जा रही हूँ हरितालिका की। तो अभी मैं हरितालिका व्रत कथा अभी स्टार्ट करने वाली हूँ और मम्मी एंड मेरी जो मासी हैं मुझे रिश्तेदारी की वो भी अभी ज्वाइन करेंगी हमें। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। अथ हरितालिका व्रत कथा प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। हरितालिके च व्रत कथा सांगया साथी सूत आरंभी मंगल सत्वन सत्तात शौनकादि ऋषिनी ही कथा लीलि आहे।